हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। यूं तो बाजार से सारे मसाले मिल जाते हैं, लेकिन घर पर अपने हाथों से खुद बनाना एक अलग ही मजा है। तो चलिए अपनी ही रसोई से कुछ मसाले इकट्ठे करके हम और आप बनाते हैं चाट मसाला और लेमन सोडा मसाला। चाट मसाला, जिसे आप चाट पापड़ी, दही भल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको लेमन क्यूब विद लेमन सोडा मसाला ये बताया था, तो इसीलिए मैं आज आपको लेमन सोडा मसाला भी बनाना बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और समय की बचत के साथ साथ गर्मी में भी आप राहत महसूस करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चाट मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 10-12 जो है लाल सूखी मिर्चें, जो साबुत सूखी मिर्ची होती है। साइज के अकॉर्डिंगली आप 1-2 कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाहिए हमें 8-10 लौंग के दाने और 2 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े। इसके साथ हमें चाहिए 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून हमारी ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, लेकिन 2 टीस्पून जो है ये चाहिए कोरिएंडर पाउडर। तो इसके साथ हमें चाहिए अदरक का जो सूखा पाउडर होता है, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और साथ ही साथ आमचूर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ये सारा सामान है इसको हम अपने पैन में डाल लेते हैं। और ये होगी हमारी जो लाल सूखी मिर्चें, इसके साथ ही लौंग और दालचीनी के टुकड़े, ये हो गया हमारा जीरा, और ये हो गया हमारी काली मिर्च, अजवाइन, और ये धनिया हमारा। और ये सारा सामान मैंने डाल दिया, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। लेकिन जो मैंने ये सामान बताया, हमारा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, आमचूर और सॉल्ट पाउडर, इसको कितनी क्वांटिटी में कब डालना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम पहले इस सामान को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसे हम हल्की आँच पर भून लेते हैं। ध्यान रहे इसे बिल्कुल हल्की आंच पे भूने, नहीं तो क्या होगा, अगर ज़्यादा भून जाएगा या जल्दी जल्दी भुना हुआ जो मसाला होता है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हल्की आंच पे भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए हमारा हल्का हल्का कलर भी आ गया है और इसमें से महीनी महीनी खुशबू भी आ रही है। ध्यान रखिए कि ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, इतना मत भूनिए, और इसका लाइट कलर रहना चाहिए। और ये हमारा सारा मॉइस्ट भी निकल गया और भून भी गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा भुना हुआ मसाला तैयार हो गया, ये देखिए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें बाकी के मसाले मिलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा है सौंफ पाउडर। तो 1 टीस्पून ये सौंफ पाउडर डाल देते हैं, और साथ ही साथ ये हमारा सॉल्ट, ये भी हम 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं। ये ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करें 1.5 टीस्पून, 1 एंड 1.5, तो 1.5 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। और अब आ जाता है हमारा नंबर आमचूर का, मैंगो पाउडर, तो ये हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसको जितना सामान डाला है उसका प्लस कर दीजिए, यानी कि 4 टीस्पून, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 टीस्पून हमने मसाला डाल दिया। अब इसको सारा मिक्स करेंगे और फटाफट इसको हम पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए ग्राइंड कर लेते हैं मसाले को। इसको हम फटाफट बंद कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये हमारा पीस गया, हमने इसको ग्राइंड कर लिया, और अब ये देखिए तो ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो चलिए इसे छान लेते हैं फटाफट। लीजिए हमारा चाट मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, और इसको मैंने बड़ा फाइन पीस लिया और इसको छान भी लिया। इस चाट मसाले में अगर आप अपना डाइजेशन और बेटर करना चाहते हैं तो जस्ट इसमें 1 पिंच जो है ये हमारा हींग का पाउडर, ये मिक्स कर दीजिए। तो बहुत ही, मैंने टेस्ट भी करके देखा है, इट्स रियली वेरी टेस्टी। तो आप भी बनाइए चाट मसाला, घर का बना, आपको पता है आपने कितना सामान डाला है,
कितनी क्वांटिटी का कौन सा सामान डाला है, और आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए ये चाट मसाला। लेमन सोडा मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून चाट मसाला एंड 3 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 3 टेबलस्पून जो क्यूमिन होल क्यूमिन, 3 टेबलस्पून जो है हमारा है तो क्यूमिन सीड्स लेकिन ये भुना हुआ जीरा है तो आप ये ले लीजिए, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर होल ब्लैक पेपर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट। तो ये सारा सामान हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जार में सबसे पहले जो हमारा ये चाट मसाला है ये डाल देते हैं, और इसके बाद हमारा आ गया ये काला नमक, और ये हमारा हो गया क्यूमिन सीड्स, ये है हमारा भुना हुआ क्यूमिन सीड्स भुना हुआ साबुत जीरा, और ये हो गई हमारी ब्लैक पेपर होल ब्लैक पेपर, और ये हो गया हमारा सॉल्ट। ये हमारा मसाला है अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कैसा मसाला बना। वाओ, तो चलिए इसे फटाफट हम छान लेते हैं ताकि अगर मोटा कुछ रह गया तो वो अलग निकल जाए। ये हमने मसाले को पूरा छान लिया है, ये देखिए, और मोटा भी काफ़ी निकला था, कोई बात नहीं उसको दोबारा पीस लेंगे, लेकिन ये बड़ा शानदार मसाला हमारा तैयार हो गया, देखिए बिल्कुल बारीक। तो जब भी आप लेमन सोडा बनाएं तो 1/2 टीस्पून एक गिलास के लिए काफ़ी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका गिलास अगर बहुत बड़ा है तो आपको 1 टीस्पून तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया आपका लेमन सोडा बनाने के लिए। तो लीजिए ये आपका मसाला हो गया।